नमस्कार दोस्तों, हॉरर एंड मिस्टीरियस जंक्शन की टीवी टॉक सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम आपको टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़ी हर नई रोमांचक खबर सुनाते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको टीवी शो अनुपमा के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टीवी शो अनुपमा, जो काफ़ी कम समय में पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी है, राजन शाह का ये शो बताता है कि एक सामान्य महिला कैसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संघर्ष करती है। महिलाएं कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करती है, जिससे ये सीरियल बहुत ही कम समय में मशहूर हो चुका है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, अनुपमा के स्टार कास्ट एक एपिसोड की कितनी फीस लेती है। शुरुआत करते हैं रूपाली गांगुली से, जो अनुपमा की लीड एक्ट्रेस है, जो एक एपिसोड का 60,000 रुपये चार्ज करती है, जो इस शो की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। मदालसा शर्मा, जो काव्या का किरदार निभाती है, वो एक एपिसोड का 30,000 रुपये चार्ज करती है। सुधांशु पांडे, जो शो में वनराज का किरदार निभाते हैं, वो प्रति एपिसोड 50,000 रुपये चार्ज करते हैं। इनके अलावा पारस कलनावत की बात करें, जो शो में समरसा का किरदार निभाते हैं, वो एक एपिसोड के 35,000 रुपये लेते हैं। और मुस्कान बामनी भी एक एपिसोड के 27,000 रुपये चार्ज करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी मसालेदार, रोमांचक और मज़ेदार खबरें रोजाना देखना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फेवरेट टीवी शो का नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।